हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विजय ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो टाटा पंच के साथ आपको छोटे छोटे यूटिलिटी स्पेसेस हमको दिए गए हैं, तो वो स्पेसेस मैं आपको दिखाता हूं और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पहला यूटिलिटी स्पेस आपको मिलता है, ये मिलता है काफ़ी डीप, ये दिया गया है पंच में। और यहाँ पे आप अपने सनग्लासेस कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी रख सकते हैं, 2 से 3 मोबाइल फ़ोन इजीली आ जाते हैं, सनग्लासेस आप रख सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी स्पेस रहता है, जो भी मीन्स आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये स्पेस जो है कि काफ़ी डीप दिया गया और काफ़ी यूज होता है ये सामान वगैरह, छोटे छोटे सामान वगैरह रखने के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा हम पीछे को आते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 2 कप होल्डर, मीन्स ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के लिए 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना तो छोटे छोटे स्पेसेस मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक और जो यूटिलिटी स्पेस है ये देखिए आप, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर ना आप अपना वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हो, काफ़ी डीप स्पेस है और इजीली आप अपना वॉलेट वगैरह इसमें रख सकते हो। मैं मोस्टली जो है अपना वॉलेट यहीं पे रखता हूँ जब भी मैं इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो ये छोटा सा स्पेस आपको दिख रहा है, ये मैक्सिमम जो है कि कॉइन्स वगैरह रखने के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसमें आप क्या है ना, छोटे से जो कप आते हैं, मीन्स जो डिस्पोजल ग्लासेस आते हैं, उनको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं बाएं हाथ से अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो अपना जो कप है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे हम जूस वगैरह अगर हम पी रहे हैं या फ्रूटी वगैरह के डब्बे जो आते हैं छोटे छोटे, तो आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं और ड्राइविंग के साथ साथ आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। उसके अलावा ये पार्ट जो है ना, ड्राइविंग करते समय यहाँ पर हैंड रेस्ट की तरह काम करता है, तो अगर आप बाएँ हाथ से ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसको आप दाएँ हाथ को यहाँ पर आप रेस्ट दे सकते हो, हैंड रेस्ट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मेरे ख्याल से मोस्टली बहुत से लोग इसको हैंड रेस्ट की तरह यूज करते भी होंगे। तो ये स्पेस भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि फ्रूटी वगैरह के छोटे छोटे कैन या छोटे वाले जो डिस्पोजल ग्लासेस आते हैं वो यहाँ पे भी फिट हो जाते हैं। कॉइन्स वगैरह तो आप रख ही सकते हैं इसमें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पार्ट है, ये जो सॉरी जो स्पेस यहाँ पे है, ये स्पेस आपको चारों डोर्स पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी है और ऐसे ही ये पीछे देखने को भी आपको मिल जाता है। और हाथ रखने के लिए यानी कि हैंड रेस्ट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इसको हैंड रेस्ट के लिए। तो ये जो है ना, 2-3 चीज़ें जो है मुझे काफ़ी पसंद आती हैं इस गाड़ी में, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके अलावा एक यहाँ पे हुक मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आप 2 kg तक का सामान टांग सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे खोल लेंगे और इसमें आपका 2 kg तक का सामान आ जाता है। टाटा की लगभग सभी गाड़ियों में ये यहाँ पे हुक देखने को मिल जाता है, तो हमारी पंच में भी ये है, तो काफ़ी बढ़िया है ये हुक। 2 kg तक का आप छोटा मोटा सामान इसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा ग्लोव बॉक्स की अगर बात करें, ग्लोव बॉक्स का साइज़ जो देखिए आप, काफ़ी बड़ा इसमें साइज़ है। और यहाँ पे जो स्पेस आपको दिया गया है, ये आप अगर टैबलेट वगैरह यूज कर रहे हैं या छोटा सा आईपैड वगैरह है तो उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसमें ना मींस जो छोटे छोटे सी चीज़ें दी गई हैं, छोटे छोटे स्पेसेस दिए गए हैं, मींस काफ़ी मुझे ये पसंद आते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ को अगर हम जाते हैं ना, तो बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। तो फ्रेंड, बैक साइड में यहाँ पे भी देखें, छोटा सा स्पेस दिया गया है, चीज़ें वगैरह मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर आपको रखना है खड़ा करके यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा कॉइन वगैरह अगर आपको रखना है तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। तो ये छोटे छोटे स्पेसेस जो है ना, ये पंच में दिए गए, मीन्स इसके जो केबिन को ना बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया है, छोटे छोटे स्पेस दे के कि आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। और मेरा जो फेवरेट है, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला है कि इसमें आप जो है अपना वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हैं और काफ़ी डीप है ये, तो दिखता भी नहीं है कि अंदर वॉलेट इसमें रखा हुआ है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो इसके छोटे छोटे स्पेसेस में दिए गए उनके रिगार्डिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।